द केरला स्टोरी को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ ये फिल्म सिनेमा घरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धमाल मचा रही है, वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्यों में इस फिल्म को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ राज्य इसे टैक्स फ्री कर रहे हैं तो कुछ राज्य इसे बैन कर रहे हैं। कल तमिलनाडु में इस फिल्म को मूवी हॉल ओनर्स ने बायकॉट कर दिया था और अब खबर है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी को बैन कर दिया है। स्टेट की सीएम ममता बनर्जी ने इस फिल्म को लेकर कड़ा एक्शन लिया है और बड़ी बात कह दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि बंगाल में सभी थिएटर में फिल्म द केरला स्टोरी हटाई जाएगी और कहीं भी इस फिल्म को नहीं चलने दिया जाएगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से फिल्म द केरला स्टोरी बैन की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार नफरत फैलाने को बर्दाश्त नहीं करेगी। शांति बनाए रखने के लिए इस राज्य में केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खबर है कि इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है, द कश्मीर फाइल्स क्या है, ये एक वर्ग को अपमानित करना है। केरल की कहानी क्या है, ये एक विकृत कहानी है। इस तरह से ममता बनर्जी सरकार ने द फिल्म केरला स्टोरी के खिलाफ एक्शन लिया है और एक तरह से द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी को प्रोपोगंडा फिल्म बताया है। पश्चिम बंगाल की तरफ से इस फिल्म को बैन किए जाने के बाद फिल्म के निर्माता विपुल अमृत लाल शाह और डायरेक्टर स्तिब्दो सेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान विपुल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में फिल्म के बैन किए जाने पर हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां की सरकार हमें टारगेट करने की कोशिश कर रही है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी इस फिल्म को चलाया जा रहा है, जैसे कि केरल में। हम यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा राज्य इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दें। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। Thank you.